भंडारदरा जो जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के लिए और अपने प्लेजेंट नेचर के लिए। और भंडारदरा आने के बाद आपको लगेगा कि आप महाबलेश्वर में आ चुके हो। तो भंडारदरा में आप कितने सारे टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हो, सबसे सस्ता और अच्छा होटल रूम कहाँ पर मिलेगा और बोटिंग के क्या रेट्स होंगे, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले हम आ चुके हैं जहाँ पर रावण ने जटायु पक्षी का पंख काट दिया था और इस जगह का नाम है सर्व तीर्थ टाकेद। रावण सीता माता का हरण करके लंका लेकर जा रहा था तो जटायु पक्षी ने रावण को रोका था, तो रावण ने जटायु पक्षी के पंख काट दिए थे और जटायु पक्षी इसी जगह पर गिर गया था। तो भगवान श्री राम ने इसी जगह पर तीर चलाकर पानी निकाला था और वही पानी जटायु पक्षी को पिलाया था। और यहाँ पर एक शिव पिंड है जिसमें शिवलिंग जमीन के अंदर है। ये शिवलिंग बाहर निकालने के लिए आपको जमीन के ऊपर लेट कर ये निकालना होता है। माना जाता है अगर आप ये शिवलिंग बाहर निकाल लेते हो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और ये शिवलिंग बाहर निकालने के बाद इस कुंड में आपको इसको धोना होता है और वापस शिवपिंड में जाकर रखना होता है। और ये शिवपिंड निकालना हर किसी की बस की बात नहीं होती। मैंने भी 10 से 12 बार ट्राई किया, आप यहाँ पर आकर ज़रूर ट्राई करना। और ये जगह भंडारदरा से 25 किलोमीटर के दूरी पर है। अभी हम आ चुके हैं भंडारदरा के सबसे फेमस रंधा वाटरफॉल पे। रंधा वाटरफॉल भारत का तीसरा बड़ा वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल तक जाने के लिए एक ब्यूटीफुल सा ब्रिज बना हुआ है। और इस ब्रिज पे से आप सेफली रंधा वाटरफॉल का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा देख सकते हो। और इसी वाटरफॉल के पास में अजय देवगन की जान मूवी, मैंने प्यार किया, कुर्बान, राजू चाचा ऐसे अनेक बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। रंधा वाटरफॉल देखने के बाद आप जैसे आगे आओगे आगे आपको प्रवरा नदी का बहुत ही मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू नजर आता है। रंधा वाटरफॉल पे टोटल 4 व्यू पॉइंट बने हुए। अभी हम 4th व्यू पॉइंट पर है। यहाँ से आपको ये वाला वाटरफॉल नजर आता है जो बहते हुए प्रवरा नदी में मिल जाता है और आप प्रवरा नदी में बोटिंग भी कर सकते हो। अभी मैं अम्ब्रेला वाटरफॉल के पास में हूँ और भंडारदरा में सभी टूरिस्ट का फेवरेट ये अम्ब्रेला वाटरफॉल है। और अभी इसमें पानी ना के बराबर है क्योंकि ऊपर से बारिश होती होगी और डैम ओवरफ्लो हो जाएगा, तभी आपको ये वाटरफॉल बहता हुआ नजर आता है। अगर आपको ये वाटरफॉल देखना ही है तो 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आप इसको विजिट कर सकते हैं। और ये वाला जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है, इस जगह पर अजय देवगन की इतिहास मूवी की शूटिंग हुई थी। इस जगह पर 90s और 80s के जमाने के बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है और अभी भी यहाँ पर शूटिंग होती है। अभी हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा कि आप महाबलेश्वर में आ चुके हैं क्योंकि यहाँ से आपको लेक व्यू के साथ में माउंटेन्स का भी मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू नजर आता है। और ये वाला बोटिंग पॉइंट अम्ब्रेला वाटरफॉल के पास में ही है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हो तो स्पीड बोट का पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज लिया जाता है और चक्कू वाले बोट का 80 रुपीज पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। भंडारदरा आते हो तो ये वाला पॉइंट जरूर विजिट करना। अभी हम भंडारदरा डैम के गेट के पास में और यहाँ से आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल सीनिक व्यू नजर आता है। और मॉनसून के सीजन में जब डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो इसी जगह से पानी छोड़ा जाता है। अभी हम आ चुके हैं वसुंधरा वाटरफॉल पे। वसुंधरा वाटरफॉल भंडारदरा से 15 किलोमीटर के दूरी पर है और वसुंधरा वाटरफॉल इतना ब्यूटीफुल है कि जो टूरिस्ट भंडारदरा आता है वो वसुंधरा वाटरफॉल विजिट करता ही है। और वसुंधरा वाटरफॉल पे आने के लिए आपको अपनी गाड़ी रोड पे पार्क करने के बाद 20 मिनट चलकर आना होता है। और वसुंधरा वाटरफॉल के पास में ही कोलटेम्बे वाटरफॉल है, ये वाला वाटरफॉल भी आप विजिट कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं नानी वाटरफॉल पे।
ये वाला वाटरफॉल वसुंधरा वाटरफॉल से 5 मिनट के ही दूरी पर है और ये वाटरफॉल बहुत ही सेफ है क्योंकि यहाँ पर ग्रिल लगी हुई है। इन ग्रिल में आप खड़ा होकर वाटरफॉल आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बारिश ना होने के कारण वाटरफॉल बहुत ही कम था तो मैं निकल पड़ा अमृतेश्वर मंदिर की ओर। लेकिन रास्ते से जाते वक्त आपको नेकलेस वाटरफॉल भी नज़र आता है। बारिश तो नहीं थी तो नेकलेस वाटरफॉल भी मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन ये ब्यूटीफुल सा रेनबो मुझे नज़र आ गया। अभी हम अमृतेश्वर मंदिर में है। यह मंदिर 1200 साल पुराना है जो शिलाहार वंश के राजा जांज ने बनवाया था। राजा जांज ने टोटल 12 मंदिर बनवाए थे, उन्हीं में से एक ये अमृतेश्वर मंदिर है और ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। और यह मंदिर इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत बनाया गया है, इसमें कोई भी चूना का यूज नहीं किया है। और माना जाता है जिस जगह पर शिवलिंग है उस जगह के नीचे प्रवरा नदी का उगम स्थान है, इसीलिए शिवलिंग 4 महीने पानी के अंदर होता है। और माना जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था और जो अमृत कलश मिला था वो इसी जगह पर लाकर रखा था, इसलिए इस मंदिर को अमृतेश्वर मंदिर कहते हैं। और मंदिर के बाहर ये विष्णु तीर्थ है जिसे पुष्करणी भी कहा जाता है। और इस पुष्करणी के अंदर 12 छोटे छोटे मंदिर है जिसमें से एक मंदिर गणेश जी का है और बाकी सारे मंदिर विष्णु भगवान के है। और इस पुष्करणी में आप उतर कर दर्शन भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये पुष्करणी पानी से पूरी भरी हुई होती है। जितना खूबसूरत ये मंदिर है उतना ही यहाँ का ब्यूटीफुल नेचर है। और ये अमृतेश्वर मंदिर रतनवाड़ी विलेज में आता है और ये भंडारदरा से 19 किलोमीटर के दूरी पर है, लेकिन यहाँ तक आने वाला रास्ता बहुत ही खराब है और इस जगह तक बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पर आप जरूर विजिट करना। अगर आप भंडारदरा में होटल रूम लेकर रुकना चाहते हो तो MTDC भंडारदरा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप दूसरी जगह रूम बुक करते हो तो वहाँ पर कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होता, वहाँ पर 4,000-5,000 कुछ भी प्राइस बोला जाता है। लेकिन MTDC भंडारदरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सीजन और ऑफ सीजन के रेट्स फिक्स होते हैं। MTDC भंडारदरा में आपको लेक व्यू स्टैंडर्ड रूम 2000 में और स्टैंडर्ड रूम नॉन AC 1900 रुपए में मिल जाएगा। MTDC रिसोर्ट की मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दी है, वहाँ पर आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी हुई है। और MTDC भंडारदरा का लेक व्यू साइड में होटल भी बना हुआ है, यहाँ पर आपको सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। और अपना होटल रूम आप ऑनलाइन पहले से ही बुक करके रखना। और भंडारदरा रिसोर्ट डैम के बिल्कुल पास में ही लोकेटेड है। भंडारदरा हिल स्टेशन घूमने के लिए आपको आपके पास अपनी कार या बाइक होना जरूरी है। और भंडारदरा नासिक से 73 किलोमीटर के दूरी पर है और इगतपुरी से 45 किलोमीटर के दूरी पर है। और भंडारदरा में आप कलसुबाई शिखर भी जा सकते हैं। कलसुबाई पीक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शिखर है। आप रतनगढ़ फोर्ट, सांदन वैली ऐसे बहुत सारी जगह यहाँ पर घूम सकते हो। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।